हमारे राष्ट्रीय चरित्र में मेल खाता हुआ कोई है ही नहीं। भगवान कृष्ण को हमने एक ऊंचा स्थान दिया, लेकिन राम 12 कला था और उनमें कोई छल प्रपंच था ही नहीं। अब उन्होंने जो भी गौतम बुद्ध, उन पर आएंगे बाद में, गौतम बुद्ध भी राम के ही भक्त थे। अब इस गौतम बुद्ध के विषय में भी आधी अधूरी जानकारी वाले लोग राम और गौतम बुद्ध में बड़ी कंट्राडिक्शन खड़ा करते, लेकिन ऐसी बात नहीं। बुद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सिख धर्म, ये तीनों धर्म हिंदू धर्म की एक शाखाएं हैं। इसको हम लोग अलग धर्म के रूप में न माने तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब हिंदू धर्म की ही कुछ बातें लेकर के अपना एक हिंदू धर्म की कुछ बुराई को छाटते हुए अपनी कुछ बातें के आधार पर अपना एक पंथ चलाए। तो ये हिंदू धर्म की शाखा है, इसको अलग धर्म के रूप में न देखा जाए। हम फिलहाल हम लोग राम की चरित्र पर बात कर रहे थे। तो राम का चरित्र बचपन से ही खोट रही थी। अब देखिए, सीता को आप कहते हैं कि सीता को दंड दे दिए, सीता को सजा दे दी, यही आपकी तकलीफ का चाहे आपके आक्रोश का कारण। तो ये समझिए कि एक व्यक्ति जो बचपन से सभी ऋषि मुनि को सहायता किया हो, हर गरीब हर दुखी आदमी के मदद के लिए अपनी जान को भी दाव पर लगाया हो, अपनी सुख सुविधा को भी त्याग दिया हो, तो उनको माँ के कई बन जाने का वचन के कारण उनको बन जाना पड़ा, ठीक है। अब राम को समझने की कोशिश की कि यदि जो घटना उनके साथ घटी, राम वन में गए और सीता का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, अगर राम को सीता से प्रेम नहीं रहता, आप अन्य राजाओं से तुलना करके देखिए, कोई भी राजा रहेगा अगर उसकी पत्नी का अपहरण हो जाता और वो दो भाई ही रहेगा निशस्त्र, माने शस्त्र तो है उनके, धनुष्मान तो है, लेकिन उनके पास सेना नहीं है, वो जंगल में दंड की वचन के कारण वो झेल रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं कुटिया में, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि रावण जैसा एक सम्राट से लोहा ले सके। लेकिन ये जानते हुए भी कि हमारे पास इतना ही साधन है और उन्होंने अपने राज से भी कोई संपर्क नहीं किया, अपने राज से कोई मदद नहीं मांगा, वचन था कि आपको वन में रहना है, इस वचन को न तोड़ते हुए उन्होंने सीता के महत्व के कारण, सीता के प्रेम के कारण अयोध्या के वन में रहे होंगे, तो अयोध्या से केरल तक जाते हैं पैदल, रास्ते में आदिम जनजातियां हैं उससे मदद मांगते हैं, जटायु मिलता है, जटायु का दाह संस्कार करते हैं, उनका चरित्र को समझने की कोशिश कीजिए। उनको वहां पर पहुंचते हैं, वहां की जातियां जिनको बानर कहा जाता है उसके राजा विपरीत रहता है, तो उस राजा को मार के मित्र बना करके उस सब सेना को लेकर के समुद्र किनारे पहुंचते हैं और फिर समुद्र पर बांध बनता है। ये समझिए कितना श्रमसाध्य काम है सीता को मारने के कारण, क्योंकि वो सीता के अलावा दूसरे स्त्री के विषय में सोच ही नहीं सकते थे, जबकि कोई दूसरा राजा रहता तो उनको तो सैकड़ों रानियां रहती, एक पत्नी कोई उठाइए लिया, 10 पत्नी से चाहते तो शादी हो जाती, 10 राजकुमारियां से शादी हो जाती। आप समझिए चरित्र कितना मजबूत है, एक व्यक्ति एक अपने पत्नी के लिए, उनको पत्नी में इतना प्रेम है कि सीता के बिना, लक्ष्मण मैं तो अधूरा हूं, मैं सीता के बिना जी नहीं सकता हूं, सीते सीते करते हुए होते जाते। और वो व्यक्ति जाता है वहां पर रावण के से हम तीखा शब्द यहाँ पर है, लेकिन सारे तीखा शब्द बाद में गई है, पूरा बात बोले मैं तो रावण के से युद्ध होता है, उसमें तनिक दुश्मनियां नहीं थी, अपना भी प्राण नागफास में बंधे तो जाते जाते बचा, लक्ष्मण उनके भाई का भी मृत्यु होते होते बचा, युद्ध इतना भयानक था क्योंकि साधारण आदमी युद्ध नहीं था, एक इधर साधन विहीन और उधर पूरा साधन संपन्न, विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से बिना अपनी सेना की सहायता से अपने वन में दूसरे को मदद करके उसके द्वारा जुटाए गए सीमित संसाधन में वो रावण से युद्ध किए, अपने जान पर खेले और सीता को वापस ली। हालांकि उसमें एक अंश में वर्णन है, आप रामायण देखिएगा तो समझ जाएंगे, उसमें सीता का प्रतिरूप रावण हर के ले जाता है, सीता अग्नि देव को सुपुर्द रहता है और फिर अग्नि में अति के कारण अग्नि परीक्षा के नाम पर ऊपर सीता ओरिजिनल सीता वापस आ जाती है, उसको लेकर के फिर वो अयोध्या आते हैं और अयोध्या में
फिर इनको भरत राजपाट इनको दे देता है, राजा बन जाते हैं। फिर ये सारे अयोध्या से अपने पूरे राज्य को चलाते हैं जनता की अपेक्षा के अनुरूप। मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, जनता के हर एक बात को तरजीह दे, हर एक समस्या को समझे, उसके मनोभाव के अनुरूप उसके विकास का साधन उपलब्ध कराए। तो इस हिसाब से उन्होंने जनता पर शासन करना चालू किया। कुछ वर्षों के बाद ये कहा जाता है कि एक धोबी ने कह दिया कि हम अपने पत्नी को मारते हुए बोला कि हम राम नहीं है कि हम फिर सीता को ले आएंगे, रामायण में इस तरह का उदाहरण आता है और हम लोग भी उसी बात को तरजीह देते हैं। उसको इस तरह से माना जाए कि राम एक धोबी ने नहीं कहा, राम के प्रजा ये बात चलने लगी कि हमारी महारानी रावण के यहाँ युद्ध ही एक साथ चल गया था, तो मैं 2-3 साल रह करके आई, तो फिर कभी तक नहीं। और ये जनता का कहना था, जनता का कहना है, अब ये राम का नहीं कहना था, राम जी तो स्वीकार किए ही थे, पूरे अयोध्या के समाज का कहना है। अब एक राजा जो जनता के लिए ही जिसका जीवन जो जनता को समर्पित है उस पर कितना दबाव आ रहा है, उस बात को समझिए कि जो अपना उसकी प्राण प्रिया है पत्नी, लेकिन जनता का जब दबाव आ रहा है तो अपने इच्छा अपने सुख अपने लगाव के ऊपर जनता की इच्छा को उलट रहा है जनता में। और सुनिए, राजा और रानी का क्या स्टेटस था, क्योंकि आप राज्य काल में नहीं जन्मे हैं, आप उस चीज को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, आपको सीधे ये भावना समझ में आ रहा है कि माता गर्भवती थी तब निकाल दिए फलाने का, यही सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि राजा के लिए प्रजा जान लड़ा देगा, मैंने अपनी जान दे देगा राजा को बचाने के लिए। आप पन्ना भाई सब कहानी सुनो, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पर बेटा को रख दिया था मुसलमान के सामने। तो ये सब अभी तक ये 1500 ईस्वी तक होते आया था, उस समय राजा और रानी को ईश्वर तुल्य माना जाता था। ये समझिए स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा, माने ईश्वर से नीचे ही राजा, राजा का बाप बहुत ऊंचा माना जाता था और राम जैसा राजा का स्थान बहुत ऊंचा था। इस वजह से सीता को भी क्या माना जाता था, राजमाता। अब राजमाता के चरित्र में अगर जनता को खोट होगा तो बहुत बड़ा दुविधा उत्पन्न हो जाएगा। अगर वो सीता से प्रेम नहीं करते तो सीता को वन में भेज देते, दूसरा शादी कर लेते, 16,000 पटरानी ले आते, लेकिन उन्होंने अकेला जीवन जीना मंजूर किया और सीता को सुनिश्चित कराया कि सुरक्षित जगह पर जाए। तो ऑलरेडी 14 साल वो अपने खुद भी कष्ट सहे हुए, उनके लिए राष्ट्रीय राजकीय ऐश्वर्य कोई मायने नहीं रखता था, उनके मानस में राजकीय ऐश्वर्य सुख सुविधा कोई मायने ही नहीं था। मतलब उनके नजर में ये मायने था कि हम जनता की इच्छा के अनुरूप कितना बेहतर शासन दे सकते हैं। राम राज्य का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है, कि जनता का में जब ये चर्चा चलने लगा कि राजमाता जो हमारी है उनको हम राजमाता कैसे स्वीकार करें कि वो राम के आधार पर क्या, तो जनता के मन में जो दुविधा हो गया उस दुविधा को देखते हुए आप रामानंद सागर का रामायण भी गौर से देख लीजिएगा तो आपको राम का चरित्र बहुत अच्छा अरुण गोविल निभाया है, आपको बहुत बात समझ में आने लगेगा। लेकिन हो सकता है कि आप उसको भी ठीक से नहीं देखोगे और आज के परिप्रेक्ष्य में 2-4 लाइन पकड़ करके राम के चरित्र को नापने की कोशिश में आप भूल कर रहे हैं। राम ने वहां पर सारे जनता में हो रहे दुविधाओं को देखते हुए उनको ये लगा कि हम अगर सीता का त्याग नहीं करेंगे तो राजमाता का दर्जा अपवित्र हो जाएगा। त्याग परित्याग करना था, परीक्षा देना था, क्या अग्नि परीक्षा के लिए ना बोला गया था, त्याग किया, त्याग करना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ा। और अग्नि परीक्षा कब हुआ, अग्नि परीक्षा तो लंबे में होते लेकिन वो राम की गलती नहीं है, वो तो परिस्थिति की गलती है। राम जब धरती में समा गए तो फिर राम समझिए।